आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय के पास स्थित इवलिन लॉज इलाके में रहने वाले लोगों को धमकी भरी गुमनाम चिट्ठी मिलने से हड़कंप मच गया है। अज्ञात संगठन के नाम पर इस इलाके में रहने वाले अधिकारियों को गुमनाम चिट्ठी भेजकर रुपए की मांग की जा रही है और रुपए नहीं देने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। इस घटना को लेकर इलाके के लोग काफी दहशत में हैं और आसनसोल साउथ पुलिस फाड़ी में शिकायत दर्ज कराई गई है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय के पास स्थित इवलिन लॉज इलाके के लोग इन दिनों दहशत के साए में जीने को विवश है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से इवलिन लॉज इलाके में दो दर्जन से ज्यादा अधिकारियों के घरों में एक एक कर गुमनाम चिट्ठी मिल रही है, जिस चिट्ठी में एक अज्ञात संगठन के नाम से किसी अधिकारी से 2 लाख रुपए तो किसी अधिकारियों से ज्वेलरी की मांग की जा रही है। साथ ही रुपए नहीं देने पर उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी गई है। इस घटना को लेकर एक तरफ जहां इस रिहायशी इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इलाके में रहने वाले लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन उन्हें धमकी भरा गुमनाम चिट्ठी भेज रहा है। इस घटना को लेकर आसनसोल दक्षिण पुलिस फाड़ी में शिकायत दर्ज कराई गई है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय इलाके के इवलिन लॉज स्थित करीब 100 से भी ज्यादा अधिकारियों के बंगले हैं, जिन बंगलों में इसको स्टील प्लांट के कई बड़े बड़े अधिकारियों के आवास और आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर का कार्यालय सहित ADCP सेंट्रल, ADCP हेडक्वार्टर, FRO कार्यालय तथा IB सेंट्रल कार्यालय भी है। इवलिन लॉज टाउनशिप में रहते हैं, मतलब हफ्ता दिन पहले की बात है। हम 3:30 से 4:30 बजे के पहले घर से बाहर निकले तो घर के बाहर एक एनवलप में चिट्ठी डाल के गया था। कोई अननोन पर्सन है, हम लोगों को कुछ नहीं पता। ये चिट्ठी में लिखा था कि एक दिन के अंदर आपको ब्लैक पॉलीथीन में 2 लाख रुपीस डाल के टाउन डिपार्टमेंट का ऐसा कुछ में पोस्ट बॉक्स में वहाँ रख देना है। अगर आप नहीं रखेंगे तो आप और आपका फैमिली डेंजर में पड़ सकता है। और ये 15-20 दिन से हो रहा है, सिर्फ मेरे घर में ही नहीं, हमारे टाउनशिप में और भी लोगों के फ्लैट्स में, बंगलों में ये 3:30 से 5:30 के टाइमिंग में ये चिट्ठी रख के जा रहा है। कभी ब्राउन एनवलप में रख रहा है, कभी वाइट एनवलप में रख रहा है, कभी ओपन पेपर में ऐसा लिख के ये चिट्ठी लगा के जा रहा है। तो ये तो मतलब हम लोग पूरा फैमिली यहाँ रहते हैं, बच्चे बाहर पार्क में खेलते हैं, तो ये थोड़ा एक प्रॉब्लम का मतलब प्रॉब्लम ही है बहुत बड़ा कि बच्चों को हम खेलने भेजने में बाहर डर लगता है। बुज़ुर्ग लोग हैं जो वॉकिंग करते हैं, तो इस टाइप से जो हो रहा है हम लोग को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या इशू है और इसका कोई सॉल्यूशन भी अब तक हो नहीं पाया है। डर और भय का, हाँ डर और भय का जैसे माहौल हो गया, मतलब 15-20 दिन हो गया है, मतलब मोटा मोटी आप मान के रहेंगे कि 10-15 लोगों को ऐसा ये चिट्ठी मिल चुकी। स्थानीय लोगों का कहना है कि गुमनाम चिट्ठी भेजने वाला पढ़ा लिखा होने के साथ साथ बहुत ही सातिर है, जो बहुत ही अच्छे तरह से जानता है कि अधिकारी पढ़े लिखे हैं, इसलिए उनको वो अंग्रेजी भाषा में ही चिट्ठी भेज रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी अंदेशा जताया है कि चिट्ठी भेजने वाला एक ही खाते का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि जिन जिन अधिकारियों को चिट्ठी मिली है उस चिट्ठी के पन्ने एक समान हैं। ऐसे में चिट्ठी भेजने वाला कोई शरारती तत्व है या फिर कोई आपराधिक तत्व, यह सवाल बना हुआ है। এতে মোটামুটি 5-6 দিন আগে আমি যখন কলেজ থেকে ফিরি, সে সময় বাড়ির দরজার সামনে আমি একটা চিঠি পাই। অ্যাকচুয়ালি আমার যিনি নেবার, উনি আমার প্রতিবেশী, আমার সামনের বাড়িতে থাকেন, উনি আমাকে ব্যাপারটা নক করেন। আমি কলেজ থেকে ঘরে ঢুকে গেছি 3:30 সময়, কিন্তু তারপরে ঠিক 1 ঘন্টা পরে উনি আমাকে নক করে দেখান যে আমার বাড়ির যে পাপোস আছে সেখানে একটি চিঠি পড়ে আছে। 2টি কাগজ ছিল সেখানে, একটা কাগজের মধ্যে চিঠিটা সঙ্গে সঙ্গে আমি দেখলাম, ওখানে লেখা আছে 4-5টা লাইন যে 2 লাখ টাকা দিতে হবে কালো পলিথিন ব্যাগের মধ্যে, যদি আপনারা এই টাকাটা না, আমাদের সংগঠনকে 2 লাখ টাকা দিতে হবে, যদি আপনারা কালকের মধ্যে এই টাকাটা না দেন তাহলে আপনার ফ্যামিলি মানে ইউ আর ইন ডেঞ্জার, আপনারা সমস্যায় পড়ে যাবেন, এরকম একটি চিঠি আসে। এবং শুধু কিছুদিন পর আমি দেখি যে মোটামুটি আমাদের পুরো কলোনিতে 15-20টা ফ্যামিলিতে এই ধরনের চিঠি কিন্তু আসছে। কাউকে ব্রাউন যে এনভেলপের মধ্যে দিচ্ছে, কাউকে ওপেন কাগজের মধ্যে দিচ্ছে, ফলে আমাদের বাচ্চারা বাইরে থাকে, আমাদের বাড়িতে বাবা মারা বয়স্ক মানুষরা আছেন, আমরা একটু চিন্তিত। আসানসোল থেকে সন্তোষ মন্ডল কি রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। আপনাদের শহর রানীগঞ্জে রয়্যাল কেয়ার হসপিটালে রয়েছে উচ্চ শ্রেণীর সুবিধা এবং অত্যাধুনিক চিকিৎসার সরঞ্জামে পরিপূর্ণ রয়্যাল কেয়ার হসপিটাল,
যেখানে অভিজ্ঞ ডক্টর ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স ও স্টাফেদের টিম রোগীদের উন্নত মানের চিকিৎসা পরিষেবা দেবার জন্য প্রতিবদ্ধ। রয়্যাল কেয়ার হসপিটালে আপনারা পাবেন ডায়ালিসিস, প্যাথোলজি, সিটি স্ক্যান, এক্স রে, ইউএসজি, জেনারেল সার্জারি, মাইক্রো সার্জারি, নেফ্রোলজি, নিউরোলজি, ইউরোলজি, গ্যাস্ট্রো এন্টারোলজি, অর্থোপেডিক সার্জারি, ম্যাক্সিলোফেশিয়াল, অনকোলজি, পুলমনোলজি সহ 24 ঘন্টা এমার্জেন্সি পরিষেবা, 24 ঘন্টা অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা সহ আরও বিভিন্ন সুবিধা। এবং রয়্যাল কেয়ার হসপিটালে রয়েছে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডেও চিকিৎসা পরিষেবা। রয়্যাল কেয়ার হসপিটাল, NH2 পাঞ্জাবি মোড়, রানীগঞ্জ। টোল ফ্রি নম্বর 1800-121-3557, মোবাইল নম্বর 7479-002900, 7479-002901, 7479-002902।